हिंदी वाक्य रचना। Thank you.
विभक्तियां, फिर कारक, जो विभक्ति दी है वो उसको
साहित्यिक हिंदुस्तान में विभक्तियों को अलग करके लिखा जाता है। कुछ शब्दों को हिंदी में विभक्तियों के साथ नहीं लिखा जाता, अलग से लिखा जाता है। वहीं अधिकतर विद्वान, तीसरे नंबर पर जो उन्होंने बात बताई है, अधिकतर विद्वान विभक्तियों को संज्ञा से अलग करके और सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखते हैं। जैसे उसने, राम ने उसको पुस्तक दी और उसने राम को पुस्तक दी, इसमें ने विभक्ति को राम के साथ जोड़ दिया है और इसमें उसको पुस्तक के साथ जोड़ दिया है। हिंदी के अधिकतर लेखक विभक्तियों के प्रयोग में तीसरे नियम का पालन करते हैं और विभक्तियों को लगाने में इसी नियम का प्रयोग व्यापक समझते हैं। इस पुस्तक में भी विभक्तियों को संज्ञाओं से अलग करके और सर्वनामों के साथ जोड़कर लिखा गया है। क्रिया के निश्चित करने के नियम हिंदी वाक्यों में क्रिया के रूप कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। हिंदी में केवल दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कर्ता और कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। राकेश जाता है, गुब्बारा उड़ता है, विनीता जाती है, पतंग उड़ती है। कर्ता और कर्म के वचन भी क्रिया का रूप बदलता है। जैसे लड़का जाता है, गुब्बारा उड़ता है। जिन वाक्यों में एक कर्ता होता है और कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह नहीं लगा होता, उसमें क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे लड़का गाना गा रहा है, लड़के गाना लड़की गाना गा रही है और लड़कियां गाना गा रही है। परंतु अपने से बड़ों व सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सहायक क्रिया का वही रूप प्रयोग हो जाता है जो बहुवचन के लिए होता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, गांधी जी महान व्यक्ति थे, माता जी सो रही हैं, नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। जिन वाक्यों में अनेक कर्ता एक वचन पर समान लिंग में होते हैं और उनके आगे ने नहीं लगा होता, तो क्रिया कर्ताओं के लिंगानुसार बहुवचन में होती है। जैसे विवेक और विकास गा रहे हैं, संगीता और पुनीता गा रही है। जिन वाक्यों में अनेक कर्ता और एक वचन और भिन्न लिंग में होते हैं और उनके आगे ने नहीं लगा होता, उनमें क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। जैसे विवेक और पुनीता गा रहे हैं, पुनीता और विवेक गा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से लिंग और वचनों के आधार पर वाक्यों में बहुवचन अभिव्यक्ति के नियम। कथन स्पीच अभिव्यक्ति के नियम, ठीक है। देखिए हिंदी में जिस रूप में कोई कथन कहा जाता है उसे उसी रूप में भी दोहराया जाता है। जैसे राम ने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, राम ने श्याम से कहा कि तुम बहुत अच्छे मित्र हो। कुछ व्यक्ति अंग्रेजी भाषा
मैं और तुम दोनों भी इन दोनों को लिया गया है।